हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। ये एल जी का 22 इंच जिसका मॉडल नंबर 22LN4055-TB। इस बोर्ड में फ्रेंड्स प्रॉब्लम है पिक्चर का, मतलब डिस्प्ले का। ये इसका स्केलर पीसीबी है और ये बोर्ड पहले से रिपेयर हुआ लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक ये अलग से रेगुलेटर लगाया गया है और इधर भी बैकलाइट इन्वर्टर कार्ड लगाया गया है। ये कभी रिपेयर हुआ होगा तो अभी मेरे पास आया है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। लाइन ऑन किए और देखिए एक बार बहुत सारा वर्टिकल वायर्स आकर के चला गया, पूरा ब्लैंक डिस्प्ले हो गया। इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम चलिए हम देखते हैं फिर हमें कहाँ चेक करना है, क्या करना है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तभी कुछ समझ पाइएगा, सीख पाइएगा। ये हम यहाँ ग्राउंड सटा लेते हैं और हमें डिस्प्ले का पैनल का जो पीसीबी होता है उस पर टेस्ट करना है सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डीसी के रेंज में सेट कर लिया है मल्टीमीटर को, तो हम टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से टेस्ट करना है, कौन सा वोल्टेज टेस्ट करना है, ये आप पूरा वीडियो देखिए तभी समझ पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर VGH का पॉइंट बना हुआ है, टेस्ट पॉइंट। तो हम VGH पर अगर टेस्ट पॉइंट देखिए रखते हैं तो 25 वोल्ट मेरा आ रहा है। VGH सही है, यानी कि AVDD भी हमारा सही होगा, क्योंकि AVDD से ही VGH वोल्टेज बनता है। यहाँ पर देखिए VGL माइनस 4.8 वोल्ट, ये हल्का कम लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। VGL पर फिर से हम देखें दोबारा से, नहीं सेम है। और टेस्ट पॉइंट को ढूंढना पड़ता है, यहाँ पर भी एक टेस्ट पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर AVDD वोल्टेज पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, हम ठीक से देखें। VGH वोल्टेज सप्लाई चला गया है, VGH भी अभी नहीं आ पा रहा है। देखते हैं फिर से, क्योंकि इससे पहले तो VGH आया था। फिर से देखते हैं, ये हमारा देखिए हमारा VGH भी अब फ्लैक्चुएट कर रहा है। VGH फ्लैक्चुएट कर रहा है, अभी 25 वोल्ट स्थिर है, देखिए फिर से फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो इस स्थिति में हम AVDD चेक करेंगे। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो आगे हम नहीं जा सकते यहाँ से। और यहाँ पर देखें, ये देखिए हमारा AVDD वोल्टेज ये भी जीरो है और ये VGH टेस्ट पॉइंट फिर से ये भी जीरो हो गया, मतलब वोल्टेज आ रहा है और जा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर 12 वोल्ट चेक करते हैं पैनल में, हमारा 12 वोल्ट इन हो रहा है या नहीं। ये देखिए 6.77 वोल्ट, जबकि यहाँ पर 12 वोल्ट आना चाहिए तो 6.7 वोल्ट 7 वोल्ट आ रहा है। तो हमें प्रॉब्लम समझ आ रहा है कि इसके इनपुट में ही 12 वोल्ट कम आ रहा है, जिसके कारण आगे हमारा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अब हम इस मेन बोर्ड पर चलेंगे। ठीक है,
पहले इसको हम निकाल करके देख लेते हैं, कहीं पैनल में शॉर्टिंग होगा इसके वजह से कहीं हमारा वोल्टेज दब रहा है। तो चलिए हम इसको पीसीबी से निकाल दिए, पैनल वाला पीसीबी से। अब लाइन देके देखते हैं कि हमारा वोल्टेज इनपुट में 12 वोल्ट दे रहा है या फिर 6 वोल्ट 7 वोल्ट ही दे रहा है। यहाँ पर देखें, देखिए यहाँ पर भी 6 वोल्ट है, यानी हमारा पैनल में शॉर्टिंग नहीं है, यह हमें लाइव समझ आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब प्रॉब्लम कहाँ चला गया, जहाँ से इस पैनल में सप्लाई आ रहा है 19 वोल्ट से 12 वोल्ट जिस रेगुलेटर से होके आ रहा है, वहाँ पर अब चलना है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमें यहाँ पर टेस्ट करना है कि कौन सा रेगुलेटर से इस पर सप्लाई आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3-4 रेगुलेटर लगे हुए हैं, अभी हमें इस रेगुलेटर से देखना पड़ेगा। नहीं, हाँ इस रेगुलेटर से सप्लाई हमारा वहाँ पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट, और इस रेगुलेटर पर देखिए, इस रेगुलेटर पर का सप्लाई दिखाते हैं, देखिए 6 वोल्ट। तो हमारा इस रेगुलेटर से सप्लाई उस पर जा रहा है, बट डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इसके बीच एक मॉस्फेट लगा हुआ है, पी चैनल का मॉस्फेट है, किसी किसी में डायरेक्ट भी रहता है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर में मॉस्फेट रहता ही है। चलिए देख लेते हैं ट्रेस करके, इस क्वाइल से डायरेक्ट हम देखें, 30 क्वाइल से डायरेक्ट हमारा नहीं जा रहा है। इस बीच में यहाँ पर देखिए, हम बताए थे आपको कि एक मॉस्फेट रहता है, चलिए अब हम उस मॉस्फेट को ढूंढते हैं। जो बिगनर हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, और जो जानते हैं उनके लिए तो सही है, कुछ नहीं है ये। यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करें, शॉर्टिंग भी नहीं है। चलिए कोई शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं सो रहा है, इधर भी देख लेते हैं, तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो हमें मॉस्फेट खोजना है, वो मॉस्फेट जिस मॉस्फेट से होकर के यहाँ पर हमारा सप्लाई जा रहा है। यहाँ पर एक मॉस्फेट है पी चैनल, इसके सोर्स पर हम देखें, देखिए इसके सोर्स पर 12 वोल्ट यहाँ से उसके सोर्स पर जा रहा है, यानी अब इसके ड्रेन से हमारा सप्लाई निकल रहा है। देखिए सोर्स पर जा रहा है ना, तो अब हमें इसके ड्रेन से आउटपुट निकलेगा और सीधा हमारा, देखिए यहाँ आ रहा है ना ड्रेन से। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर ये है तो रेगुलेटर, फिर रेगुलेटर से ही सप्लाई कम आउटपुट हो रहा है, तो हम यहाँ पर ये रेगुलेटर फेल है, लेकिन हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, इस मॉस्फेट को हम रिमूव करके, और यहाँ पर हमारे पास डीसी टू डीसी मशीन है जिससे हम 12 वोल्ट एडजस्ट करके देंगे, पहले 12 वोल्ट उसके बाद हम चेक कर लेंगे हमारा वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको रिमूव करते हैं। एयर को 0 रखते हैं और 350-400 हर्ट रखते हैं, तब हम काम करते हैं। ये देखिए रिमूव हो गया ये, अब इसको हम हटा करके और 12 वोल्ट सप्लाई अलग से हम देख करके देखेंगे, फिर देखते हैं हमारा वीडियो आया या फिर नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे हमारा प्रॉब्लम यहीं पर है इस रेगुलेटर से,
तो हम रेगुलेटर के रेगुलेटर साइड का कनेक्शन हम मॉस्फेट से जा रहा था, मॉस्फेट को रिमूव कर दिए हैं और यहाँ पर हम 12 वोल्ट अलग से दिए हैं, जो कि हमारा डीसी टू डीसी मशीन है उसमें 12 वोल्ट एडजस्ट करके दे दिया है मैंने 3 एम्पियर से। और अब देखते हैं टीवी पे, देखिए कितना बढ़िया पिक्चर आ गया। तो हमारा प्रॉब्लम यही था रेगुलेटर से, तो हमें वहाँ पर एक छोटा सा किट आता है LM2596 करके, वो लगा देना है 12 वोल्ट एडजस्ट करके। ओके फ्रेंड्स।